सबसे पहले यार क्लास 10th एंड 12th वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रिजल्ट्स, राइट। रिजल्ट आ चुका है एंड आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा, फ्यूचर के बारे में आपने सोच लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पॉलिटेक्निक्स के बारे में ही जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स क्या होगा, क्या क्या एजेंडा होगा, क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। तो सबसे पहले हम न्यू अपडेट जो आई है दिल्ली पॉलिटेक्निक की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन सेकेंड हमारा कट ऑफ जो आएगी हमारी दिल्ली पॉलिटेक्निक की, क्योंकि इस ईयर 2020 में मैट बेस्ड होने वाला है, राइट। तो कट ऑफ किस चीज़ पे डिपेंड होगी, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कट ऑफ निकल सकती है। देन कुछ देखेंगे हाई कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग एंड लो एवरेज सिंपल लो कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे। फोर्थ पॉइंट यही होगा। तो आज का कुछ एजेंडा यही है, आज के इस वीडियो में कुछ यही चार टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू अपडेट के बारे में जानते हैं। दिल्ली पॉलिटेक्निक दो दिन पहले अपडेट आया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में निकल जाएगा, राइट। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक का ये न्यू अपडेट है, वेबसाइट अपडेट हुई है, तो उसमें शो हो रहा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकलेगा अगस्त के फर्स्ट वीक में। और आप फर्दर जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे नज़र रखिए, आप वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिएगा न्यू अपडेट्स के लिए। तो देन अपना जो सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, कट ऑफ्स किस पे डिपेंड होगी। कट ऑफ्स यार बेसिकली उन स्टूडेंट्स पे या नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे डिपेंड करेगी, जितने एवरेज जितने परसेंटेज के हाई परसेंटेज वाले बच्चे जो कि फॉर्म भरेंगे उस पर डिपेंड करेगी। मान लीजिए कि कोई एक ट्रेड है, स्पेसिफिक ट्रेड, राइट। तो उस ट्रेड में जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाला बच्चा होगा, अगर मान लीजिए उस ट्रेड का हायर परसेंटेज 85 है, राइट, मान लीजिए अगर 85 के ऊपर कोई भी स्टूडेंट नहीं भरता है, कोई स्टूडेंट नहीं भरता है, तो यार उस ट्रेड की 85 परसेंटेज हायर परसेंटेज मानी जाएगी, उतने तक के एडमिशन हो सकते हैं उस ट्रेड के लिए, राइट। तो बाकी अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ्स निकल लेगी, राइट। तो आज की इस वीडियो में चलिए थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हाई कट ऑफ्स किस ट्रेड की निकलने वाली है, कौन कौन सी ऐसी ट्रेड है, कोर्सेज है जो कि हाई कट ऑफ्स देगी, एंड सिंपल एवरेज लो कट ऑफ्स के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कितने ट्रेड है पॉलिटेक्निक में, कितने ट्रेड्स हैं। तो यार ये कुछ ट्रेड्स हैं, राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 29 ट्रेड्स हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक में, और इन सभी की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 10th बेसिस पे कौन कौन सी ट्रेड है, और आपकी जो 12th बेसिस पे जो कि लेटर एंट्री के लिए है उसके लिए कौन कौन सी ट्रेड है, सबको अलग अलग करके मैं दे दूंगा लिख के। ये है हायर कट ऑफ्स, जौन जौन सी ट्रेड की हाई कट ऑफ जा सकती है। तो पहला जो ट्रेड है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्यों यार, ये बहुत ही रेयर ब्रांच है और काफ़ी परसेंटेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी को मतलब ज़्यादा होप होते हैं कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग ही लेनी है। बहुत ही बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, और आगे भी स्कोप ज़्यादा है इनका। देन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये जो तीनों ब्रांच है दोस्तों, ये जो तीनों ब्रांच है ना इंजीनियरिंग के, ये बहुत ही मतलब स्कोप है इन तीनों ब्रांच का, तीनों ट्रेड्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। तो इसको हमने 1, 2 एंड 3 नंबर पे रखा है इसलिए, क्योंकि इसके जो स्कोप है और इसके जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ आई जा सकती है। डिपेंड करेगा यार वो कट ऑफ कि इस ट्रेड में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इस स्टूडेंट्स की, मतलब सबसे हायर परसेंटेज नंबर है, कौन सी परसेंटेज हाई है, जैसे 85। यार वैसे तो इसकी 85 या 80 के अबव जा सकती है, आई होप इन सभी की 80 के ऊपर ही जाए, ठीक। तो कंफर्म है 80 तो होनी है इन सब की, 80 से ऊपर भी जा सकती है। देन फोर्थ ट्रेड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्योंकि यह एक कोर ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और आने वाले समय में भारत देश में कंप्यूटर डिजिटल सारे चीज़ें डिजिटल हो रही है, तो कंप्यूटर का स्कोप बढ़ सकता है, ये इसकी भी परसेंटेज हाई जा सकती है
के ऊपर ही जा सकते हैं इसकी परसेंटेज 75+ पास। तो टूल एंड डाइम मेकिंग इंजीनियरिंग इसका भी थोड़ा बहुत, देन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या बनाना, कार्स बनाने का डिज़ाइनिंग करने के लिए, तो इसका भी स्कोप काफ़ी है आने वाले फ्यूचर में। तो आप यह भी ट्रेड ले सकते हैं एंड इसकी थोड़ी बहुत कम जा सकती है 75 के आसपास। देन केमिकल इंजीनियरिंग, यार यह भी एक कोर ब्रांच है, केमिकल इंजीनियरिंग का अभी स्कोप नहीं है बट आने वाले समय में काफ़ी होने वाला है स्कोप, काफ़ी ज़्यादा तादाद में है भी और आगे भी बढ़ने वाले हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग एक अच्छा फील्ड माना जा सकता है आने वाले फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू मी। आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, इसकी भी कट ऑफ 75 के आसपास रहेगी, राइट 70 या 75 के आसपास आ सकती है इसकी भी कट ऑफ, राइट। ये थी सारे कट ऑफ्स, हाई कट ऑफ्स की लिस्ट, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांचेस है, काफ़ी अच्छी ट्रेड्स है, इन सभी की हाई कट ऑफ्स आ सकती है, राइट। लो सिंपल एंड एवरेज कट ऑफ्स की पॉलीमर एंड पेंटिंग टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही रेयर ब्रांच है अकॉर्डिंग टू 2019। यार इसकी जो रैंक मतलब निश्चित हुई थी, मतलब फर्स्ट से लेकर फोर्थ कट ऑफ तक, क्योंकि 2019 में आप सभी को पता है कि एंट्रेंस टेस्ट होता था 2019 तक, एंड 2020 में कोविड-19 की वजह से इस साल टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं और मेरिट बेस्ड इस ईयर निकल रहे हैं। तो 2019 के अकॉर्डिंग ये जो पेंटिंग एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी है, इसकी कट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा गई थी, मतलब रैंक ज़्यादा गई थी। तो रैंक ज़्यादा ज़्यादा का मतलब यह है कि यार नंबर ऑफ जो परसेंटेज है 20 में, यार इसकी कट ऑफ्स थोड़ी बहुत नीचे गिर सकती है, 70 के आसपास आ सकती है, इन सभी 70 तक तो आ जाएगी, राइट 70 तक तो मतलब आनी आनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिजिटल एंड मेडिकल, ये दोनों अलग अलग ट्रेड है तो मैंने एक में ही लिख दिया है क्योंकि यार स्पेस नहीं था। इन दोनों का भी आ सकता है कट ऑफ थोड़ा बहुत लो आ सकता है 70 के आसपास, राइट। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेडिकल लेबोरेटरी, इन सभी की ट्रेड गिर सकती है, सॉरी परसेंटेज गिर सकती है, आप इन सब में ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी बहुत कम है, मतलब 70 या 60 के आसपास है, 65 के आसपास है, तो आप इन सभी चीज़ में ट्राई कर सकते हैं, जैसे गारमेंट फैब्रिकेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है सिविल इंजीनियरिंग में। अप्लाइड आर्ट, क्लास 10th के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रेड है एंड क्लास 12th के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रेड है। क्लास 10th का इट मीन्स मेरा मतलब है लेटर एंट्री के लिए, लेटर एंट्री के लिए कौन कौन सी ट्रेड्स है एंड क्लास 10th बेसिस पे कौन कौन सी ट्रेड है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अपडेट्स चाहते हैं, मतलब दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपके लिए न्यू वीडियो बनाते रहूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी डाउट है यार नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और यार एप्लीकेशन फॉर्म की चिंता मत कीजिए, आपकी फर्स्ट ऑफ अगस्त वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा और आप तब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और कट ऑफ्स की चिंता मत कीजिए।